Okay, next is next next natural national park is Kaziranga National Park. The World Heritage Site is a national park that is an ideal habitat for the rare one horned rhinoceros. It is located on the banks of the Brahmaputra in Assam. This is also a paradise for bird watchers as migratory birds make their way to the to this place during winters in large numbers. Kaziranga National Park. Aapka? कहाँ पर सिचुएटेड है इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब बहुत ही पुरानी हेरिटेज साइट है जहां पर ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर वन हॉर्न बहुत ही एक जिसकी एक सिंग होती है ऐसे डायनासर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये कहाँ पर लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम आसाम में है ब्रह्मपुत्र की बैंक मतलब ब्रह्मपुत्र के चारों तरफ दिस इज ऑल्सो अ पैराडाइज ऑफ फॉर बर्ड वॉचर्स ये एक बहुत पेराडाइज किसको कहते हैं एक स्वर्ग जिसे कहा जाता है ये एक तरीके का जो जिन लोगों को बर्ड देखना बहुत पसंद है उनके लिए ये एक स्वर्ग के समान जगह है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो दूसरे देश से हमारे घर हमारे देश में आती हैं, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड जैसे आपने माइग्रेशन और माइग्रेटेड बर्ड सुना होगा वो उसी से आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स वर्ड आया है जो बाहर से हमारे देश में आती हैं वो हमारी कहलाती है माइग्रेटरी बर्ड्स और वो कब आती हैं विंटर टाइम में बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे इंडिया में एंटर करती हैं वो भी कहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में नेक्स्ट है सुंदरबन अनलाइक अदर नेशनल पार्क वेयर टूरिस्ट ट्रेवल टू द हार्ट ऑफ द वाइल्डर बाई जीप्स हेर बोट्स ग्लाइड थ्रू क्रीक्स एंड एंडवलट्स

सॉरी नारो मीन्स पतला बहुत ही पतली सी जो सड़क होती है या आप कह सकते हो एरिया होता है जो पानी को ढक के रखता है वो हमारा कहलाता है क्रीक ठीक है नेक्स्ट इज रेवलिट्स रेविलेट्स क्या होता है वेरी स्मॉल रिवर ऑन स्ट्रीम बहुत ही छोटी सी जो रिवर होती है या आप कह सकते हो उसको स्ट्रीम तालाब जिसे हम कहते हैं उसको हम रेविलेट के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट इज एस्टोरीन एस्चुरी ये एक एस्टुरी वर्ड किससे निकला है एस्चुरी और एस्टुरी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं द टाइडल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी रिवर का मुंह जिससे जो, जो किससे जाकर मिलता है तालाब से जाकर मिलता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी ठीक है सुंदरबंस आपके आपको पता है सुंदरबन डेल्टा इज अ वेरी बिग डेल्टा इज अ लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा आकर मीट करते हैं ठीक है वो आपने पहले भी पढ़ा है और इसी के आसपास वाले एरिया में कौन से नेशनल यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क बसे हुआ है अनलाइ अदर नेशनल पार्क वेअर टूरिस्ट ट्रैवल टू द हार्ट ऑफ द वाइल्टनस बाय जीप हि जीप और जितने भी नेशनल पार्क है जहाँ वहाँ पर लोग किससे जाते हैं जीप से ट्रैवल करते हैं बट यहाँ पर कहाँ किससे ट्रैवल करते हैं बोट्स बोट्स के थ्रू जाते हैं जो बीच बीच में छोटे छोटे तालाब बने हैं या बो छोटे छोटे जो रास्ता बने हैं जो ऊपर से ढके हुए हैं पानी की जैसे नदियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी उससे आपके लोग फॉरेस्ट के बॉर्डर में जाते हैं और वो कौन से फॉरेस्ट पूरे हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट उन मैंग्रूव फॉरेस्ट की तरफ लोग एंटर करते हैं सुंदरबंस द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्ट्रीन फॉरेस्ट एंड डेल्टा इज सिचुएटेड ऑन द लोअर एंड ऑफ द गैंजेटिक वेस्ट और ये कहाँ पर सिचुएटेड है गंगा का जो आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बना हुआ है वहां पर बिल्कुल लोअर एंड ऑफ द गैनजेटिक वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल का बिल्कुल लोअर एंड है वहाँ पर आपके ये सुंदरबन नेशनल पार्क बने हुए हैंस्ट नेशनल पार्क इज द होम ऑफ द एशियाटिक लाइन्स एंड इज लोकेटेड इन गुजरात जो गीर नेशनल नेशनल पार्क है ये आपका गुजरात में लोकेटेड है और ये यहाँ पर कैसे लाइन्स मिलते हैं एशियाटिक के लाइन्स आपको देखने को मिलते हैं द थिक एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट मेक इट अ परफेक्ट सेंचुरी फॉर वाइल्ड एनिमल्स सच एज द स्पॉटेड डियर सांबर नील गाय एंड एंटीलोप यहाँ पर आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं ये एक बहुत बड़ी सेंचुरी है और जहां पर आपको स्पॉटेड डियर मिलता है जिसके डियर पे छोटे छोटे धब्बे पड़े होते हैं सांभर भी एक तरीके का डियर है जो आपने हो सकता है अगर आप जू पे ट्रैवल किया हो तो हमारे लखनऊ में भी आपको जू में सांबर डेयर मिलेगा नील गाय एंड एंटीलोप देखिए यहाँ पर ब्लू बुल दिया हुआ है ब्लू बुल या फिर नील गाय दिस इज नील गाय थोड़ा ब्लू कलर की क्या होती है गाय होती है उसको नील गाय बोला जाता है ओके नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया एंड फ्रॉम टुमारो आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपी थैंक यू क्लास